हमारे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 कंटिन्यूटी में है बेटे। अब इसमें है क्या, इसमें हम एक्सरसाइज में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में रीड कर रहे थे। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो करवाया था वो सारा रूट के नेचर के बारे में था कि अगर रूट 0 के इक्वल आ जाए, सॉरी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो रूट का क्या नेचर होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 आ जाए तो डिस्क्रिमिनेंट के साथ हम रूट्स का नेचर कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम रूट का नेचर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड में है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे के की वैल्यू निकाल के बतानी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो मुझे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है मैंने दोनों के लिए के की वैल्यू फाइंड करनी है, और के की वैल्यू जब आप फाइंड करो तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन बने उसके रूट इक्वल होने चाहिए, यानी कि रूट्स हमें इक्वल दिए हुए हैं इक्वेशन के, हमें इक्वेशन में के नहीं पता, हमें उस के को पता करके बताना है कि कितना है। ठीक है, अब देखो, अब हम इसके दिए हुए हिंट का यूज करेंगे। इसने हिंट में हमें क्या दिया कि रूट से इक्वल है, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है के, और सी की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि मेरे पास ए बी और सी की वैल्यूज निकल गई। फॉर इक्वल रूट्स, अगर मुझे रूट से इक्वल चाहिए, अगर मुझे रूट से इक्वल चाहिए तो मैंने आपको समझाया था ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 है ना, तो मैंने यहां से ए की वैल्यू डाल दी जो भी है बी की, सबसे पहले मुझे बी का स्क्वायर चाहिए तो के का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, सी की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 6 × 12 = 48, और ये माइनस के 48 उधर प्लस के 48 हो गए, और आपको पता है स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट बन जाता है, तो मैंने 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 2 का पेयर बना दिया 4, तो 4 आपके बाहर निकल गए, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रह जाता है, तो k जो है दो वैल्यूज निकल गई और प्लस और माइनस के 4 3, यानी कि k के इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप उठा सकते हो। ठीक है, अब देखो आपका ना एक सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 टाइम्स आपको k दिया हुआ है, k ऑफ x ऑफ x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को एक परफेक्ट इक्वेशन में चेंज करना है, आपने के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा तो ये आपका बन गया के एक्स स्क्वायर, फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई करा के एक्स से तो ये आपका बन गया 2 के एक्स। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपने उसको एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, फिर प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आपने वैल्यूज कंपेयर करनी है, वहां से ए निकालना है, वहां से बी निकालना है, और वहां से आपने सी निकालना है। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और विच इज इक्वल टू के। ठीक है, और बी बेटा आपका एक्स का कोफिशिएंट होता है विच इज इक्वल टू माइनस 2 के। आपने क्या करना है, आपने इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वहां से ए बी और कॉन्स्टेंट सी की वैल्यूज आपने फाइंड कर लेनी है, और कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6 आ गई, क्योंकि मुझे हिंट क्या दिया गया है, हिंट मेरे पास ये है कि आपके रूट्स इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल है तो आपने इसकी वैल्यू जो है 0 के इक्वल रख देनी है। ठीक है, तो आपके पास बी कितना है माइनस 2 के, आपने माइनस 2 के का क्या करा स्क्वेयर करा। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में बताया गया है कि आप इसकी वैल्यू का स्क्वेयर करो, तो माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है के, और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6। ठीक है, तो माइनस 2 के का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4 के स्क्वेयर, माइनस 6 = 24 के। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन देखो आपके पास क्या निकल रहा है, इन दोनों में से देखो, एक तो मेरे पास यहाँ से 4 के, यहाँ से भी 4 के मेरे पास कॉमन निकल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, जो चीज कॉमन निकली उसको साइड कर दूंगी। ठीक है, और अंदर आपका क्या बच गया के माइनस 24 कितने के ऊपर आता है 4 के, 6 का मल्टीपल आता है 4 6 का 24, जब आप 4 कॉमन निकालोगे तो अंदर आपके पास 6 बच जाएंगे। एक बार आपने इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है, एक बार आपने इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है, तो 4k की वैल्यू मैंने 0 डाली, k माइनस 6 की वैल्यू मैंने 0 डाल दी। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है और जो मल्टीप्लाई के फैक्टर है उधर डिवाइड में जाएंगे, तो वो k की वैल्यू 0 से डिवाइड हो गए, जब 0 डिवाइड बाय 4 होगा तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ से k की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे 0 और 6 में से एक वैल्यू चूज करनी है,
इक्वेशन दी थी, ठीक है। जिस इक्वेशन को देखकर उसने हमसे k की वैल्यू पूछी थी, आपने वो इक्वेशन उठा ली। अगर k जीरो हुआ तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। देखो आपने k को जीरो पुट कर देना है, k को जीरो पुट करने के बाद आपका सिर्फ सिक्स रह जाएगा। तो ये क्या हुआ भाई, ये तो कोई इक्वेशन नहीं बनी आपके पास, ये तो आपके पास जस्ट एक कॉन्स्टेंट बन गया है ना। तो इसलिए हम k की वैल्यू जीरो तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो हमने k जीरो हो नहीं सकता, k इज इक्वल टू जीरो जो है वो हमने क्या कर दिया, आपका रिजेक्ट कर दिया। तो k की वैल्यू जीरो तो हो गई रिजेक्ट, तो आपके पास k कितना बचा, सिक्स। तो k की वैल्यू सिक्स हो गई। तो इस तरीके से बेटा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से k की वैल्यूज पता कर ली है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में थैंक यू।